अच्छा हो जाएगा, वो वाला एक्शन करो जरा। अच्छा वो वाला। हाँ नहीं नहीं वो तो सब सर एग्जैजरेशन था, एक जोक में हम करते हैं एग्जैजरेशन था आई एम श्योर। पर क्या सर एक जोक मतलब लिखते टाइम ना हम वो जो एक्ट आउट वगैरह मैंने करा कि संजीव जी कह रहे सब स्वादिष्ट बना है, मैं बहुत स्वादिष्ट बना है, तो I've seen. तो ये अभी ये पर इतने सालों से कर रहे हो, पर ये अभी एग्जैजरेशन YouTube पे डाला था क्या? था। हाँ सर मैंने अभी मतलब ये अभी डाला YouTube पे, एक हफ्ता डेढ़ हफ्ता पहले। हाँ तो जिस दिन मेरे ख्याल डाला उस दिन से मेरे पास WhatsApp पे पता नहीं कितनी बार आए होंगे। जिस दिन YouTube पे डाला उसके शायद 2-3 दिन बाद आ गया, एक साथ मेरे ख्याल 5-6 लोगों ने मुझे भेजा, यू मस्ट हैव सीन इट। यू बन रहेगा अब तो देखना पड़ेगा, वो इतने सारे ने बोला यू मस्ट हैव सीन इट। तो फिर मैंने अच्छा पूरा देखा, देन माय डॉटर शी सेड अरे वी हैव टू पोस्ट दिस, इसको आई डोंट नो फिर। अच्छा तो मतलब मैं जो ये हमारे इंस्टा ये फेसबुक ये जितनी हमारी चीजें होती हैं, तो हाँ मैं जैसे रेस्टोरेंट में हमारे खाना नहीं कोई मैं नहीं बनाता ना, तो मैंने जी इंस्टा में हाँ मैं कुछ नहीं करता, वो तो पता है सर, मुझे पता है 100% ठीक मुझे है। पता है। हाँ जी हाँ तो इसलिए वो भी नहीं मैं करता वो नहीं। अब ऐसा है कि अगर आप ये चीजें कर सकते हो तो मैं तो अपना शाम की अभी वॉक के लिए भी मैंने बंदे रखे हुए हैं, भेज देता हूँ कि जाओ मेरे लिए वॉक करके आओ, तो इसलिए। हाँ और मुझे आपसे पूछना है, इन्होंने आपको क्या क्या नहीं बुलाया है इस इंटरव्यू में? आपको सबसे शॉकिंग, सबसे मजेदार, सबसे अलग चीज क्या लगी? ये इस वाले इसके अंदर जो नो आई थिंक ओवरऑल कंटिन्यूसली एक के बाद एक के बाद आई थिंक द होल रिदम वाज वेरी गुड। मतलब उसमें ऐसा नहीं था कि कहीं कुछ ड्रॉप होता है कुछ होता है, दी जो कंटिन्यूटी थी बड़ी जबरदस्त। आई आई थिंक वो इतनी देर तक होल्ड कर पाना ना किसी भी कोई भी कॉमेडी हो, आई थिंक यू कैन से 1 punch 2 punch 3, बट ओवरऑल ओवरऑल जो है इज डन अ ब्रिलियंट ब्रिलियंट जॉब। बट देखो अभी क्या है, वो कपूर है वैसे भी तो। इसके हम आज टू, मैंने जब इसका एक्ट देखा तो मुझे सबसे अट्रैक्टिव जो चीज लगी ना वो ये थी कि वो उसने आपको बोला सारी मम्मियों का पॉर्न स्टार ऑफ कुकिंग वर्ल्ड थे, इसके इतना फनी लगा ऐसा वो। ऐसा नहीं बोला था मैंने अर्चना, आई जस्ट सेड सर ऐसे मैंने कुछ ऐसे बोला था कि मतलब मम्मियां सारी आपकी फैन बॉइंग करती थी सर उस टाइम। मैं बताऊं मेरे को लगता था सिर्फ मेरे घर में वो कॉपी बनती है, एंड आई एम श्योर आपको करेक्ट पता है कॉपी बनती थी सर सबके घर में। मेरे को लगता था मेरे घर में कॉपी बनती है। मैं अपने पड़ोसी के जाता था, मल्होत्रा आंटी हमारे ऊपर रहती थी, उनके घर जाऊँ उनके घर पे एक कॉपी बनी पड़ी है। मैं अपनी मासी के घर गया लखनऊ पे अब, और ये तो पुरानी सर बहुत उतनी टाइम की बात नहीं है, ये अभी 4 साल पुरानी बात है। मैं लखनऊ गया मेरी मासी के घर, उनके से रैंडम मैंने दिखाओ जरा कॉपी कुछ लिखने के लिए, उसमें उस शो की ऐसे लिखा होता था शो आई थिंक डेट टाइम एपिसोड एपिसोड। नंबर, उसके बाद डिश वाह, लिखी होती थी सर। आप सबसे ज्यादा खुल के कहाँ हंसे थे इन द वीडियो? यू सीन द होल वीडियो ना इसके अभी? Yes, I've seen the whole video. As I said, see the beauty of it was that there were punches throughout, and the मतलब क्या होता है कि जोक में culmination होता है यहाँ पे हर चीज, because I could relate to it, right? I could relate कि अच्छा ये इस तरह से बोला तो मैंने कहा अच्छा कमाल अच्छा ऐसे करता हूँ। तो इट इज समथिंग दैट यू यू वॉच इट, एंड आई इट्स नॉट दैट आई ओनली वॉच इट वंस, मैं उसको बार बार देखा है, मैंने उसको बार बार देखा, काफी सारे व्यूज जो है वो मेरे वाले व्यूज हैं उसमें थैंक यू मैंने सर, देखा। थैंक यू सो मच। ये ऐसे गौरव मिलियन ऐसे थोड़ी मिलियंस व्यू आ गए हैं, मैंने बहुत गौरव, सारे ऐड किए उसके इस पे रिएक्शन अंदर। आना चाहिए भाई। ये जो अभी इन्होंने बोला है, बोल दो बोल दो। सर मैं आप जेन्युइनली बोल रहा हूँ, अगर उसपे सिर्फ आपका एक व्यू भी होता रहा सर मैं दुनिया का सबसे खुश इंसान होता। आई एम तो सो ग्लैड, मैं कितने टाइम से चाहता था कि मैं कुछ ना कुछ करके आपको अपने लाइव शो में बुला लूं, पर सर वो ऐसा रहे एक वो क्या कहते हैं उसे सर, मेरे को हमेशा ऐसा पंजाबी लगता में था पंजाबी झाका में नहीं बोलते हैं, सर, झाका बोलते हैं उसको, ताका मतलब सर मेरे को नहीं पता। झाका झाका बोलते हैं। बनी मम्मी को पूछना। अच्छा अच्छा हाँ पक्का पक्का। नहीं सर मतलब मेरा मन होता था कि हमेशा आपको अपने कुछ ना कुछ करे शो में बुलाऊं, मतलब लाइव शो के अंदर जो परफॉर्म करता है मुंबई में मैं, पर हाँ वही सर वो एक डर लगता रहता था, पता नहीं सर क्या सोचेंगे कैसा होगा, और प्लस अप्रोच करने का तरीका भी नहीं पता। तो एक बार सारांश मेरे शो में आए थे, सारांश गोयला, तो ओके उन्होंने ही सॉ द होल शो, ही तो लव्ड इट, आई थिंक ही टैग्ड यू आल्सो इन वन ऑफ द स्टोरीज, वो मिस हो गई होगी।
पर मैंने बोला यार अगर हो पाए तो सारा भाई मेरे को प्लीज संजीव जी से मिलवा दो एक बार, कह रहे मैं बात बात करता हूँ वगैरह, पर सर फिर वो ऐसे ही छूटता यार। उसने कोई नहीं बात करी, मेरे से मैं उसके कान पकड़ता हूँ अभी, उसने कोई नहीं बात करी। मैंने बड़े जबरदस्त ने भाई गुड गाय, बहुत अच्छा बच्चा है वो। सो नाउ बट सर आई एम सो ग्लैड ना वो वीडियो आप तक पहुंचा है ना, मेरे को तो डर लग रहा था उसमें, पता है एक लाइन ये भी थी जो मैंने हटा दी बाद में कि दोस्तों अब आपको वीडियो पसंद आया तो आप संजीव जी को टैग करो और ये वीडियो उन तक पहुंचना चाहिए, तो मैंने टैग करो वाली लाइन हटा दी स्पेशली, मैंने बस ये डाला कि संजीव तक, क्योंकि मेरे को लग रहा था शायद पहुंच जाए, मुझे अभी कंफर्म नहीं था क्योंकि मेरे को वही डर था कि अगर मैंने डाला टैग करो तो सर लोग टैग कर करके बहुत मतलब वो परेशान कर, इट वुड हैव बीन डिस्टर्बिंग फॉर यू। परेशान क्या होना था, मतलब कश्मीर फाइल होती है संजीव कपूर उधर की फर्क बन है। गौरव आई वाज वन ऑफ देम हु व्हाट्सएप्ड इट टू हिम, ठीक है, तो मुझे ब्राउनी थैंक यू सर। मैं तो आई एम तो सो ग्लैड, मैं जेन्युइनली बताऊं मेरे को कल अर्चना ने बोला कि संजीव जी से आई विल टॉक टू हिम, आर यू इन फॉर दिस, मैंने कुछ नहीं मतलब मेरा विद इन सेकंड्स माय रिस्पांस वाज 100% इन, यू जस्ट टेल मी द टाइम व्हेनेवर ही इज फ्री। या टेल अस व्हेन यू आर परफॉर्मिंग नेक्स्ट इन मुंबई, हम पक्का आएंगे। और पर अपना अर्चना मैं आपको बताऊं मेरे को ना थोड़ा सा डर लगेगा सर को बुलाने में, क्योंकि मेरा जो सबसे फैमिली फ्रेंडली जोक था ना, सबसे फैमिली फ्रेंडली जो पूरी फैमिली बैठ के सुनती थी वो यही वाला था, माय मॉम एंड संजीव कपूर जी। इसके बाद के जो मेरे जोक्स है तो मैं तो सर डर के ही बुलाऊंगा आपको, मैं आपसे आके नहीं मिला पाऊंगा। ये मतलब मेरा तो बड़ा नुकसान हो जाता है, लोग मुझे खाने पे नहीं बुलाते, इनको बुलाएंगे तो खाने में क्या खिलाएंगे, ये करें इनको बुलाएंगे तो शो में क्या करेंगे, ये तो क्या है, ऐसे थोड़ी हुआ है। ये तो सर आपको पक्का मेरा बड़ा नुकसान हो गया, मेरी रेपुटेशन बड़ी खराब हो गई, मैं सोच रहा हूँ बड़ा शो करूंगा कि आई वुड वांट यू टू हैव अ गुड, मतलब प्रॉपर बढ़िया तरीके से एंजॉय करना, मोस्ट वेलकम सर, यू विद फैमिली विद एनीवन यू वांट टू कम, मोस्ट वेलकम सर, मोस्ट वेलकम। जो किचन में खड़ी होकर खुश लगती है, हमेशा बोलती है इस आदमी ने मेरी जिंदगी बर्बाद कर दी है। जैसे आप तो ऑन बिहाफ ऑफ ऑल माय मदर्स आई वांट टू आस्क यू कि आप इतने स्माइलिंग फेस के साथ कैसे इतना कुक कर सकते हैं इसके। देखो ऐसा है कि जब ऐसे टीवी में इतने सारे पैसे मिले ना, किसी भी घर पे खाने के लिए बोलो, इतने सारे पैसे, सारे स्माइल क्या, जंप बोलोगे, योगा सब करवा देंगे, बट वो इसके लिए ऐसी मोटिवेशन मिलनी चाहिए, ऐसे नहीं कि बनाने के बाद में कुछ नहीं, जो है जैसा है हम बोल रहे हैं कि बहुत अच्छा है, सामने से कोई नहीं बोलने वाला कैसा है सारा है, सब वैसे के वैसे ही, घर के अंदर एक ही ना है, अरे नमक तो ठीक है, घनी नून नहीं ठीक है, कि तो घर पे हर मील कैसे, घर में ना मम्मियों को बीवियों को पैसे देने शुरू कर दो, देखो कैसे स्माइल आएगी, ऐसे बड़ी बड़ी स्माइल आएगी। बिल्कुल सही बात है सर। एंड रियली लाइक यू टू टेल अस कि आपको क्या खाना है, क्योंकि मैं चाहती हूँ कि एसके सुने कि गौरव को क्या पसंद है। बिल्कुल सर मैं तो धन्य ही हो जाऊंगा खाना आपके हाथ का, धनिया खाना है क्या, खाना धनिया सर ऊपर डाल के खाएंगे सर। सर वो तो था सर, आप इतने सही से सामान से गार्निशिंग करते थे ना, तो हमें लगता था हमारे घर पे है क्यों नहीं। मैं बताऊं कोरिएंडर बहुत टाइम बाद पता चला, कम से कम 3-4 साल बाद पता चला कोरिएंडर को धनिया बोलते हैं, आइडिया ही नहीं था। तो मैंने क्या किया, जब जब लोगों को समझ आना शुरू हो गया कि धनिया को कोरिएंडर बोलते हैं, तो मैंने उसको सिलांत्रो बोलना शुरू कर दिया, मेक्सिको में सिलांत्रो बोलते हैं उसको। सारी चीजें जो पता हो तो फिर मजा नहीं आता, ऐसी चीजें नहीं पता हो पता चल जाए तो फिर गड़बड़ हो जाए। बिल्कुल सही बात। अच्छा क्विज शो की शुरुआत आपने की थी। पर मैं सर मेरे को कभी मौका मिले तो आपके बटर चिकन जरूर खाऊंगा, चाहूंगा बटर चिकन, डन डन बटर चिकन, उसको भी हमने सिखा दिया है सारांश को भी। I'm going to say thank you, Gaurav, क्योंकि I think without laughter, especially in these times, life would have been dead. आपने इतने लोगों को ना जिंदा कर दिया है आपके stand-up के साथ. And I'm so happy that Sanjeev ji actually came here for you. That just shows कि हर कोई का दीवाना है. So thank you, Gaurav. Thank you, sir. Thank you, Gaurav. बहुत अच्छा
नहीं, पहले मुझे बोलने दो कि बहुत अच्छा कर रहे हो, इसी तरह से हंसाते रहो, बिकॉज आई बिलीव दैट हंसाने का जो काम होता है ना सबसे मुश्किल होता है, राइट? एंड मतलब हंसाने के मतलब जो लोगों को आई थिंक कोई भी हो, किसी भी एज का हो, कोई किसी भी प्रोफेशन का हो, हंसाने से जो खून बढ़ता है ना, हमारे पंजाबियों में कहते हैं खून बढ़ता है, हंसो ना तो खून बढ़ता है, राइट? सो दैट या सो थैंक यू वेरी मच, नॉट जस्ट व्हाट यू डिड विद मॉम एंड कुकिंग बट ओवरऑल आल्सो यू डू अ फैंटास्टिक जॉब, या कीप ऑन डूइंग, बहुत अच्छे से करो। और अगर मतलब मुझे नेचुरली कोई ऐसा है कि मैं वो वीडियो देखूं, राइट, तो ऐसा नहीं कि एक बार कर लिया तो वो खत्म हो गया, बार बार करो, नए वाले करो। अब क्या करते हैं संजीव जी, ये अब क्या करते हैं? नहीं सर, पक्का पक्का सर बनाऊं।